हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्राइम मोटिवेशन एकेडमी। माय नेम इज अर्चा दुबे। आई विल टीच यू साइंस क्लास फोर्थ चैप्टर वन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। मतलब आप प्लांट को कितने भागों में बांटा गया है। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। ऑल प्लांट्स आर नॉट ऑफ द सेम काइंड। सभी प्लांट एक ही तरह के नहीं होते हैं, एक से नहीं होते हैं। सम ग्रो फॉर ए सीजन, अदर ग्रो फॉर मैनी ईयर्स। कुछ हैं जो कुछ किसी सीज़न में लगते हैं, एक सीज़न में लगते हैं और दूसरे सीज़न में वो नहीं लगते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो एक साल या दो साल में तक लगे रहते हैं, उसके बाद में वो मुरझा जाते हैं या सूख जाते हैं। और कई ऐसे पेड़ होते हैं जो लगे रहते हैं और कई सालों तक, हज़ारों सालों तक भी लगे रह सकते हैं। ठीक है, तो सम प्लांट्स आर टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, अदर आर शॉर्ट एंड वीक। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो लंबे होते हैं और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो शॉर्ट होते हैं और कमज़ोर होते हैं। सम प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड एंड अदर ग्रो इन वाटर। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो ज़मीन पर लगते हैं और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो पानी में लगते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो पहाड़ों पर लगते हैं। आप अगर कोशिश भी करें कि उसको हम अभी लगा लें अपने घर के आसपास, तो वो नहीं लगेंगे, सूख जाएंगे। ठीक है, तो उन्हीं ऐसे ए प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लीव एंड ग्रो इज़ कॉल्ड इट्स नेचुरल हैबिटेट। वो जगह जहाँ पर कोई रहता है और बढ़ता है, कोई भी प्लांट रहता है या कोई एनिमल रहता है और वहीं पर ग्रो करता है, मतलब बढ़ता है, वो जगह कहलाती है उसका है नेचुरल हैबिटेट। वहाँ पर वो रहता है और वहाँ पर वो अच्छे से रहता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट प्लांट कैन बी क्लासीफाइड एज ए टेरेस्ट्रियल प्लांट एंड एक्वाटिक प्लांट। हम देखेंगे कि हैबिटेट के हिसाब से, मतलब वो किस जगह पर रहता है, उसके हिसाब से प्लांट जो है वो दो भागों में, उसकी दो भागों में बांटा गया है। पहला है एक्वेटिक, मतलब टेरेस्ट्रियल, और दूसरा है एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल मतलब जो ज़मीन पर उगें और एक्वेटिक मतलब जो पानी में उगें। ठीक है, तो पहला है टेरेस्ट्रियल प्लांट। प्लांट दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट। जो ज़मीन पर उगते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल प्लांट कहते हैं, चाहे वो जगह हिल हो, चाहे वो कोई प्लेन हो, प्लेन मतलब मैदान हो, या नदी के किनारे पर, डेजर्ट में, या डेजर्ट मीन्स रेतीली जगह पर। प्लेट्यू वैलीज आर डिफरेंट लैंड फॉर्म। डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट ग्रो इन डिफरेंट लैंड फॉर्म, लेट अस नो अबाउट देम। ये हम देखते हैं कि बहुत सारे तरह तरह के प्लांट अलग अलग जगहों पर कैसे उगते हैं, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे मैदान हो, चाहे नदी का किनारा हो, चाहे वो डेजर्ट हो जहाँ पर बहुत सारी रेत होती है, इस तरह से। और उसके बाद में होता है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है, प्लांट ग्रो इन हिली एंड माउंटेनियस रीजन। जो प्लांट हिल यानी जो पहाड़ों पर लगते हैं वो किस तरह के होते हैं, उनकी क्लाइमेट क्या होती है। पहले क्लाइमेट मतलब वहाँ का कैसा होता है मौसम। द क्लाइमेट यूजली ऑन हिल इज़ कोल्ड ऑल द ईयर्स अराउंड। साल भर वहाँ पर ठंड पड़ती है और वहाँ वो पहाड़ी जगह रहती है जहाँ पर साल भर ठंड होती है। इट इज़ वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर एंड देयरफॉर माउंटेनियस रीजन ऑब्जर्व हैवी रेनफॉल। और वहाँ पर ठंड बहुत तेज रहती है और ठंड के सीजन में वहाँ पर बहुत सारी बर्फ भी गिरती है। स्नोफॉल मीन्स बर्फ का गिरना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स जो हैं उसके कैसे, किस तरह के होते हैं, ये अब देखेंगे हम। प्लांट इन हिली रीजन आर टॉल एंड स्ट्रेट। वहाँ पर जो होते हैं बहुत लंबे होते हैं, जो प्लांट वहाँ के होते हैं वो बहुत लंबे और एक सीधे होते हैं। ग्रोइंग इन द शेप ऑफ अम्ब्रेला टू लेट द स्नो शेड ईजीली ड्यूरिंग स्नोफॉल। वो एकदम लंबे होते हैं ना, तो उसके ऊपर जब बर्फ़ गिरती है और वो नुकीले ऊपर से ऊपर जाएंगे, तो ऊपर मतलब टॉप जो होगा उसका, प्लांट का, ट्रीज़ का, वो ऊपर से नुकीला हो जाता है, जिसमें अगर बर्फ़ गिरती है तो वो उस पर रुकती नहीं है, वो फिसल जाती है। ठीक है, इंस्टेंट ऑफ फ्लावर दीज प्लांट्स बेयर कोन्स। द प्लांट हैव निडल लाइक लीव्स। उसमें सुई के जैसी लीव्स होती हैं जो जिसके ऊपर वैक्सी कोट होता है। वैक्सी कोट मतलब मोम की एक लेयर जैसी होती है उसके ऊपर। द कोट मेक द सरफेस स्मूथ टू लेट द वाटर एंड स्नो स्लाइड ऑफ ईजिली विदाउट हार्म द लीव्स। तो उसके ऊपर जब वो वैक्स रहेगी तो वो एकदम से उसके ऊपर जैसे ही पानी गिरेगा या उसके ऊपर बर्फ़ गिरेगी तो वो तुरंत उस पर से फिसल जाएगी। एग्जाम्पल में है फर, देवदार और साइप्रस जो होते हैं वहाँ पर लगने वाले, मैक्सिमम लगने वाले पेड़ होते हैं। ठीक है, हिली रीजन में
ये कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है उनका, कोन जैसे ऊपर, जब उसका ऊपर रहेगा जो टॉप होगा उनका, वो एकदम कोन जैसा लगता है देखने में, ठीक है। जैसे ऐसा लगेगा जैसे कोई उल्टा कोन रख दिया गया हो, और उसकी जो लीप्स होती हैं वो निडल लाइक होती हैं, सुई के जैसी। एग्जाम्पल में है आपको फर और साइप्रस देवदार, ठीक है। प्लांट ग्रो इन प्लेन्स, प्लेन्स मतलब मैदानी जगह पर जहाँ पर प्लांट लगते हैं, उसको उसका क्लाइमेट जो होता है, प्लेन आर नॉट एज कोल्ड एज माउंटेन, वहाँ पर मैदानों में ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती जैसे माउंटेन जगह पर, माउंटेन में या हिली रीजन में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। दे हैव मैनी सीजन सच एज विंटर समर एंड मानसून, वहाँ पर उस जैसे सीजन होते हैं वैसे ही होता है विंटर समर और रेनी सीजन। प्लांट हैव टू फेस कोल्ड हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, जो कि यहाँ के प्लांट्स जो है वो ठंड और गर्मी और बरसात तीनों सीजन को फेस करते हैं, है ना। कोल्ड विंड्स ब्लो ड्यूरिंग विंटर एंड हॉट विंड ब्लो ड्यूरिंग समर। देयर आर फ्लड ऑन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग मानसून, और जब वहाँ पर ठंड का मौसम होता है तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, ठंडी हवाएं चलती हैं, जब गर्मी होती है तो बहुत गर्म हवाएं चलती हैं, और जब यहाँ पर बरसात होती है तो ऐसा कभी ऐसा हो भी जाता है कि वहाँ पर बाढ़, फ्लड मीन्स बाढ़ आ जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट, दीज ट्रीज इन प्लेन हैव कंपेरेटिवली बिग लीव्स विथ स्टोमेटा ऑन बोथ साइड, वहाँ पर जो होते हैं लीव्स में जो बड़े साइज की लीफ होती है यहाँ पर, ठीक है, जिसमें स्टोमेटा दोनों तरफ होते हैं। स्टोमेटा से जो जो प्लांट होते हैं उनकी लीफ में स्टोमेटा होने से वो भोजन पर्याप्त मात्रा में बना लेती हैं, और उसके बाद में एवोपरेशन या भाप बनकर जब पानी एक्सेस वाटर हो जाता है, ज़्यादा पानी हो जाता है तो वो भाप बन के ज़्यादा उड़ता भी है, ठीक है। दे आर ब्रांच एंड गिव शेड फॉर एनिमल्स एंड प्यूपिल्स, यहाँ जो पेड़ों में बड़े बड़े पत्ते होते हैं ना, जिसके कारण वो लोगों को छाया भी देते हैं और बहुत सारे एनिमल्स को भोजन भी देते हैं। दीज ट्रीज कैन बियर हीट बट फेल टू बियर विंटर एंड शेड देयर लीव्स इन विंटर, तो ये इस तरह से सारे जो होते हैं वो हीट भी अपने ऊपर हीट भी लेते हैं, उसके बाद विंटर में ठंड भी लेते हैं, और ऐसे पेड़ अपने ऊपर रेनी सीजन में बहुत सारा पानी भी सहन कर लेते हैं। एग्जाम्पल में है मैंगो, नीम, शीशम, जामुन और पीपल आर सम ऑफ द ट्रीज दैट ग्रो इन प्लेन्स, ये सारे पेड़ होते हैं जो वो प्लेन्स या मैदानी जगहों पर लगते हैं। प्लांट्स दैट ग्रो इन डेजर्ट, जो डेजर्ट यानी जहाँ पर रेत बहुत ज़्यादा होती है उसको बोलते हैं रेतीली जगह, वो उसको बोलते हैं डेजर्ट। तो क्लाइमेट ए डेजर्ट इज ए फॉर्म ऑफ प्लेन विथ सैंडी सॉइल, वहाँ की जो सॉइल होती है या मिट्टी होती है उसमें रेत बहुत ज़्यादा होती है। द क्लाइमेट इज वेरी हॉट इन समर एंड वेरी वेरी कोल्ड इन विंटर, वहाँ पर क्योंकि रेत बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, इसलिए वो जब रातें होती हैं तो बहुत ठंडी होती हैं, और दिन में वहाँ पर बहुत तेज़ धूप पड़ती है और रेत बहुत तेज़ गर्म जल्दी गर्म हो जाती है, इसलिए वहाँ पर दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है। तो इस तरह का जो मौसम होता है वहाँ पर दोनों तरह ठंड भी है और गर्मी भी है, तो वहाँ के जो प्लांट होंगे उसको ठंड और गर्मी दोनों एक साथ देखना पड़ता है, फेस करना पड़ता है एक साथ दोनों को। तो देयर इज स्कैरसिटी ऑफ वाटर, सो द ड्राई क्लाइमेट ऑफ ए डेजर्ट लेट ए फ्यू प्लांट टू सर्वाइव देयर, इसलिए कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो ही वहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं, मतलब वहाँ पर उन कंडीशन में दोनों कंडीशन से उसको एक साथ ही लड़ना पड़ रहा है, उसको ठंड भी मिल रही है और उसको गर्मी भी मिल रही है, तो वो कई प्लांट जो रहते हैं वो ही वहाँ पर जीवित रह पाते हैं, बाकी वहाँ पर सूख जाते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो कैरेक्टर्स क्या होते हैं उन प्लांट के, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट, रूट ऑफ प्लांट गो वेरी डीप इनटू द सॉइल इन सर्च ऑफ वाटर, वहाँ पर उनकी जो प्लांट की रूट होती है वो बहुत गहराई में जाती है पानी के को ढूंढने के कारण, क्योंकि पानी जो है वहाँ पर बहुत गहराई में होता है, इसलिए रूट जो है वो बहुत अंदर तक बहुत गहराई तक चले जाएगी। ओके, सो आई विल मीट यू सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लेसन। ओके बॉयज़।